Hey, what's up guys? This is Dilip sir. Welcome to the class once again. Friends, today we are going to study past indefinite tense or simple past tense. Watch the video till the end and increase your knowledge. Video ko bachcho andar tak dekho, apna gyan badhao past indefinite tense ke liye. Look at the board. Let's see. Dekho bachcho. Upar likha hai past indefinite tense or simple past tense. Past indefinite tense or simple past tense क्या मतलब होता है इस past indefinite or simple past tense का जो हिंदी नाम है वो अनिश्चित या सादा भूतकाल simple past tense मतलब सादा भूतकाल past indefinite tense का मतलब अनिश्चित भूतकाल दोनों का एक ही अर्थ है past indefinite tense आपको कोई बताए या simple past tense बताए both are same तो चलो बच्चों देखते हैं कि क्या है ये past indefinite tense definition परिभाषा पे ध्यान देते हैं भूतकाल में समाप्त हुए किसी कार्य का बोध कराने के लिए word पे ध्यान देना बच्चों भूतकाल में समाप्त हुए किसी कार्य का बोध कराने के लिए simple past tense का use होता है भूतकाल में समाप्त हुए किसी कार्य का बोध कराने के लिए सिंपल पास्ट टेंस का उपयोग होता है भूतकाल में मतलब बच्चों क्या हुआ भूत का मतलब वो डरावना वाला भूत नहीं भूत का मतलब जो बात बीत गई है बीते हुए समय में कोई घटना या कार्य हुआ था वो दर्शाने के लिए हम सिंपल पास्ट टेंस का यूज करते हैं एक एग्जांपल से देखते हैं जैसे मैंने कल क्रिकेट खेला था तो क्रिकेट खेलने का काम मैंने कब किया था बच्चों कल बीते हुए समय में कोई क्रिया हुई थी यह दर्शाने के लिए सिंपल पास्ट या पास्ट इंडिफिनिट टेंस का उपयोग होता है या भूतकाल में समाप्त हुई या हो गई क्रिया का बोध कराने के लिए भी सिंपल पास्ट टेंस का उपयोग होता है आपको बच्चों डिफिनेशन क्लियर हो गई होगी फिर से एक बार देख लें भूतकाल में समाप्त हुए किसी कार्य का बोध कराने के लिए सिंपल पास्ट टेंस का उपयोग होता है जैसे कल मैंने क्रिकेट खेला था मैंने कल क्रिकेट खेला था बोथ आर सेम कि मैंने कल क्रिकेट खेला था तो क्रिकेट खेलने का जो काम था बच्चों वो कब हुआ था कल हुआ था तो बीते हुए समय में हुई किसी क्रिया को दर्शाने के लिए किसका इस्तेमाल होता है सिंपल पास्ट टेंस का यूज होता है आइडेंटिफिकेशन पहचान देखें था थे थी लिया दिया किया गया गई गए आ ई ए इत्यादि शब्द वाक्य के अंत में आते हैं ध्यान देना बच्चों था थे थी लिया दिया किया गया गई गए आ ई ए इत्यादि शब्द वाक्य के अंत में आते हैं यदि किसी हिंदी वाक्य के अंत में था थे थी लिया दिया किया गया गई गए इत्यादि में से कोई भी एक शब्द आया होगा कोई भी एक अक्षर होगा तो हम समझ जाएंगे वो कौन से टेंस का वाक्य है पास्ट इंडिफिनिट टेंस का वाक्य है या सिंपल पास्ट टेंस का वाक्य है जैसे ऊपर एक सेंटेंस लिखा था कि मैंने कल क्रिकेट खेला था तो बच्चों हम क्या देख रहे हैं अंत में क्या आ गया था आ गया था मेरी माँ ने कल रात को चावल पकाए थे मेरी माँ ने कल रात को चावल पकाए थे तो यहां बच्चों आप ध्यान देना अंत में क्या आ गया है था थे थी में से कोई देखो कुत्ता कुत्ते ने तुम्हें काटा था कल रात को तुम बाजार गए थे मैंने कल तुम्हें स्कूल में देखा था लड़कियों ने नृत्य किया था कल रात को मैंने डिनर किया था मैंने कल एक पत्र लिखा था तुम खेलने गए थे बच्चे कहीं पर भी वाक्य के अंत में था फिर थी लिया दिया किया गया गई गए आ ई ए में इत्यादि शब्द आएंगे तो वो कौन से टेंस का वाक्य होगा पास्ट इंडिफिनिट टेंस का वाक्य होगा अब आप कहोगे सर आ ई ए तो हम कैसे देखेंगे तो मैं आपको बताता हूं डायरेक्टली आ ई ए नहीं रहेगा जैसे कल मैंने यह पुस्तक पढ़ी तो अंत में क्या आ रहा है स्वर ई कल मैंने तुमको बाजार में देखा तो अंत में क्या आ रहा है आ हे है हूं अंत में नहीं जुड़ा रहना चाहिए सिर्फ इतना ही होगा तो वो सेंटेंस क्या होगा पास्ट इंडिफिनिट टेंस का वाक्य होगा तो बच्चों इस तरह से हम समझ गए कि सिंपल पास्ट टेंस या पास्ट इंडिफिनिट की जो पहचान है वो क्या है था थे थी लिया दिया किया गया गई गए आ ई ए में से कोई भी शब्द आ जाएगा तो वो कौन से टेंस का वाक्य होगा पास्ट इंडिफिनिट या सिंपल पास्ट टेंस का वाक्य होगा अब बात करते हैं कि सेंटेंस में रिलेटेड वर्ड्स अगर किसी भी सेंटेंस में आता है यस्टरडे
आई सा यू इन द मार्केट यस्टरडे, कल मैंने तुम्हें बाजार में देखा था। लास्ट नाइट आई एट डिनर एट रेस्टोरेंट लास्ट नाइट, कल रात को मैंने एक रेस्टोरेंट में रेस्तरा में डिनर किया था, जो आज के कोरोना पेंडेमिक सिचुएशन में बच्चों बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं है, बहुत खतरा है, ऐसी जगहों पर ना जाएं, घर का अच्छा बना शुद्ध शाकाहारी खाना खाएं। थैंक यू। सो देखिए, लास्ट नाइट, लास्ट वीक, लास्ट मंथ, लास्ट ईयर, लास्ट ईयर आई ज्वाइन दिस स्कूल, पिछले साल मैं इस स्कूल में जुड़ा था। लास्ट ईयर आई ज्वाइन एनसीसी, पिछले साल मैं एनसीसी में जुड़ा था। लास्ट वीक आई डिड द जर्नी बाय ट्रेन, पिछले सप्ताह मैंने ट्रेन से यात्रा की थी। तो इस तरह से बच्चों, अगर कोई सेंटेंस में लास्ट आ रहे तो लास्ट के बाद वीक रहे, मंथ रहे, ईयर रहे, नाइट रहे, कुछ रहे। द प्रीवियस, प्रीवियस का मतलब क्या होता है? पिछला। आई रोट अ लेटर द प्रीवियस नाइट, पिछली रात को मैंने एक पत्र लिखा था। प्रीवियस का मतलब क्या होता है बच्चों? पिछला। तो कोई भी वीक, मंथ, ईयर, कुछ भी के पहले प्रीवियस हो तो वही मतलब है। एगो, एगो का मतलब होता है पहले। एगो अ वीक एगो, टू डेज एगो, ठीक है। आई कॉल्ड यू अ वीक एगो, मैंने तुम्हें एक सप्ताह पहले फोन किया था। आई डिड दिस वर्क एगो, मैंने पहले ये काम कर लिया था। लास्ट मंडे, लास्ट मंडे पिछले सोमवार को। आई गेव माई पेन यू लास्ट मंडे, मैंने पिछले सोमवार को तुमको मेरा पेन दिया था। आई प्लेड पियानो ऑन फ्राइडे, पियानो मैंने फ्राइडे को बजाया था, ठीक है। अब यहां पर एवरी भी ऐसा हम जोड़ सकते हैं। तो वंस, वंस मतलब एक बार। वंस देयर लिव्ड अ किंग, वंस अपॉन अ टाइम, इन मुंबई मूवी की बात नहीं कर रहा हूं, वंस अपॉन टाइम मतलब एक समय में, देयर लिव्ड अ किंग इन 2000, इन 2000 मतलब वर्ष 2000 में, क्योंकि 2000 क्या हो गया है, बीत गया है। आने वाले जो अभी सन चल रहा है उसको नहीं देखना है, पीछे की बात करना है। इन जून, जो महीना बीत चुका है वो जून की बात है। इन ओल्डन डेज, पुराने दिनों में। इन द पास्ट, भूतकाल में। तो ऐसा कोई भी सेंटेंस के अंत में, बीच में, कहीं पर भी इन वाक्यों में से कोई भी एक आएगा तो हमें बच्चों क्लियर हो जाएगा वो कौन से टेंस का वाक्य है, पास्ट इंडेफिनिट टेंस का वाक्य है। तो मेरे प्यारे बच्चों, आपको रिलेटेड वर्ड पहचान अच्छे से क्लियर हो गई है। अब हम बात करेंगे रूस की। तो क्या है रूस? इस काल के वाक्यों में प्रत्येक कर्ता के साथ, प्रत्येक कर्ता मतलब एक वचन बहुवचन का कोई लफड़ा, कोई झांसा नहीं, प्रत्येक कर्ता के साथ, कर्ता एक वचन का हो, बहुवचन का हो, कुछ भी हो, सबके साथ वर्ब की सेकेंड फॉर्म, क्रिया की दूसरी अवस्था का उपयोग करते हैं। प्रत्येक कर्ता के साथ वर्ब की सेकेंड फॉर्म आती है, ये रूल्स है। अब हमें पता है कि बच्चों हर टेंस में चार तरह के सेंटेंस होते हैं, हर टेंस में चार तरह के सेंटेंस होते हैं। मैंने क्रिकेट खेला था, अफर्मेटिव सेंटेंस। मैंने क्रिकेट नहीं खेला था, इंट्रोगेटिव सेंटेंस। क्या मैंने क्रिकेट खेला था, इंट्रोगेटिव सेंटेंस। फिर से ध्यान दें, मैंने क्रिकेट खेला था, अफर्मेटिव। मैंने क्रिकेट नहीं खेला था, निगेटिव। क्या मैंने क्रिकेट खेला था, इंट्रोगेटिव। मैंने क्रिकेट कब खेला था, ये भी इंट्रोगेटिव। क्या मैंने क्रिकेट नहीं खेला था, मैंने क्रिकेट क्यों नहीं खेला था, ये कौन सा है बच्चों, इंट्रोगेटिव, निगेटिव। क्लियर? तो चार तरह के सेंटेंस है और इन चारों तरह के सेंटेंस के ट्रांसलेशन के रूल्स पे हमें ध्यान देना है। सबसे पहले हम लोग बात करेंगे अफर्मेटिव सेंटेंस। अफर्मेटिव सेंटेंस मतलब सकारात्मक वाक्य, जैसे मैंने कल क्रिकेट खेला था, मेरी माँ ने कल रात को चावल पकाए थे, बोथ आर अफर्मेटिव सेंटेंस। क्यों? बिकॉज देयर इज नॉट निगेटिव वर्ड कोई नहीं है और अंत में फुल स्टॉप आया है, पूर्ण विराम है, इसलिए बच्चों क्या है, ये अफर्मेटिव सेंटेंस है। तो अफर्मेटिव सेंटेंस सकारात्मक वाक्य का फॉर्मूला अगर देखो तो सबसे पहले सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट के बाद है वर्ब की सेकेंड फॉर्म, ऑब्जेक्ट और एटसेट्रा अन्य चीजें, अदर वर्ड्स। चलें, ये सेंटेंस करते हैं, मैंने कल क्रिकेट खेला था। तो यहां पे सब्जेक्ट कौन है, मैंने, मैंने का मतलब आई। खेलने की अंग्रेजी क्या होता है बच्चों, प्ले, और प्ले में जोड़ दोगे ईडी, क्या हो जाएगा, प्ले, आई प्ले, ये बन गए वर्ब की सेकेंड फॉर्म। तो बच्चों दो तरह का वर्ब होता है, एक रेगुलर वर्ब और एक इररेगुलर वर्ब, नियमित क्रियापद और अनियमित क्रियापद। जो रेगुलर वर्ब होते हैं उसमें ईडी जोड़ देने पर वर्ब की सेकेंड फॉर्म बन जाती है, जो इररेगुलर वर्ब है उसमें ईडी जोड़ने से वर्ब की सेकेंड फॉर्म नहीं बनती, उनकी पहले से ही फिक्स होती है। जैसे गो, वेंट, गॉन,
गो मीन्स जाना होता है, गो का सेकेंड फॉर्म वेंट है, थर्ड फॉर्म क्या है, गॉन है। प्ले प्लेड प्लेड, तो प्ले वर्ब कैसी है बच्चों, रेगुलर है, और गो कैसी है, इरेगुलर है, तो उसको आप हमको ध्यान रखना होगा, थोड़ा सा देखना पड़ेगा। अच्छा अब यहां पर ध्यान देते हैं कि आई प्लेड, मैंने खेला था, क्या खेला था, क्रिकेट, आई प्लेड क्रिकेट, कब खेला था, कल, कल का अंग्रेजी क्या हो गया, एस्टरडे, आई प्लेड क्रिकेट एस्टरडे, मैंने कल क्रिकेट खेला था। तो इस तरह से ये सेंटेंस बन गया, मेरी माँ ने कल रात को चावल पकाए थे, ओके किसने पकाए थे, मेरी माँ, तो मेरी माँ की अंग्रेजी क्या हो बच्चा, माई मदर, माई मदर, पकाने का अंग्रेजी क्या होता है, कुक, पकाने का अंग्रेजी क्या होता है बच्चों, कुक, सी डबल ओ के, अब इसमें क्या जोड़ दोगे, ईडी जोड़ दिए, तो क्या बन गया, सेकेंड फॉर्म, माई मदर कुक, मेरी माँ ने पकाया था, क्या पकाया था, चावल, कब पकाया था, कल रात को, कल रात की अंग्रेजी लास्ट नाइट, कल रात की अंग्रेजी बच्चों क्या, लास्ट नाइट, माई मदर कुक्ड राइस लास्ट नाइट, मेरी माँ ने कल रात को चावल पकाए थे। तो बच्चों अफर्मेटिव सेंटेंस आपको समझ में आया, मैंने खेला था, आई प्लेड, तुमने खेला था, यू प्लेड, हमने खेला था, वी प्लेड, उन्होंने खेला था, दे प्लेड, लड़कों ने खेला था, बॉयज प्लेड, लड़कियों ने खेला था, गर्ल्स प्लेड, कुछ भी नहीं करना है, सबके साथ वर्ब की क्या यूज करना है, सेकंड फॉर्म, कर्ता सिंगुलर हो या प्लूरल हो, सब्जेक्ट सिंगुलर हो या प्लूरल, एक वचन हो या बहुवचन हो, सबके साथ आनी है वर्ब की सेकंड फॉर्म। मैंने लिखा था, आई रोट, तुमने लिखा था, यू रोट, उन्होंने लिखा था, दे रोट, मैंने पढ़ा था, आई रेड, तुमने पढ़ा था, यू रेड, उसने पढ़ा था, सी रेड, आर ही रेड, समझ में आया बच्चों। तो एक वचन का कर्ता हो चाहे बहुवचन का, सबके साथ आनी है वर्ब की सेकंड फॉर्म। चलो अब हम लोग बच्चों बात करते हैं निगेटिव सेंटेंस की। तो निगेटिव सेंटेंस पे जैसे लिखा है, मेरी माँ ने कल रात को चावल पकाए थे, अब यहां पर आ जाए कि मेरी माँ ने कल रात को चावल नहीं पकाए थे, मेरी माँ ने कल रात को चावल नहीं पकाया, तो नहीं शब्द आ गया तो क्या हो गया, निगेटिव हो गया। निगेटिव सेंटेंस का भी रूल एकदम आसान है, रूल्स में क्या है, प्रत्येक कर्ता के साथ डिड, नॉट और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी। यहां निगेटिव सेंटेंस में सहायक क्रिया हेल्पिंग वर्ब डिड आती है, उसके साथ नॉट आता है, और वर्ब की कौन सी फॉर्म आती है बच्चों, फर्स्ट फॉर्म। अफर्मेटिव सेंटेंस में वर्ब की सेकेंड फॉर्म, और निगेटिव सेंटेंस में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म विथ डिड नॉट। ओके, हेल्पिंग वर्ब आएगी डिड और उसके साथ नॉट ऐड करेंगे, और वर्ब की कौन सी फॉर्म आएगी, फर्स्ट फॉर्म आएगी इन द निगेटिव सेंटेंस। उदाहरण देखते हैं कि मेरी माँ ने कल रात को चावल नहीं पकाए थे, मेरी माँ मीनिंग माई मदर। अब निगेटिव है तो क्या यूज करना है, डिड के साथ क्या बढ़ाना, नॉट, माई मदर डिड नॉट क्या किया था, पकाया था। अब यहां पर देखो कुक में ईडी जोड़ा है, इधर पे नहीं जोड़ा है, माई मदर डिड नॉट कुक, क्या पकाया था, चावल, चावल की स्पेलिंग राइस, कब, कल रात को, कल रात को है तो लास्ट नाइट, तो माई मदर डिड नॉट कुक राइस लास्ट नाइट, मेरी माँ ने कल रात को चावल नहीं पकाए थे, मैंने क्रिकेट खेला था, तुमने कल क्रिकेट नहीं खेला था, एग्जाम्पल पे ध्यान दे, तुमने कल क्रिकेट नहीं खेला था, तुमने का अंग्रेजी यू, यू के साथ आएगा डिड नॉट, खेलने का अंग्रेजी प्ले, क्रिकेट आप जानते हो, यू डिड नॉट प्ले क्रिकेट, यू डिड नॉट प्ले क्रिकेट, यू डिड नॉट प्ले क्रिकेट, कब नहीं खेला था, कल रात को या कल, कल की अंग्रेजी क्या आएगी, एस्टरडे, You did not play cricket yesterday. You did not play cricket on Friday. You did not play cricket on Sunday. तुमने रविवार को क्रिकेट नहीं खेला था, तुमने शुक्रवार को क्रिकेट नहीं खेला था, कुछ भी, कोई भी सेंटेंस में हमको क्या यूज करना है, did not और आएगी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। मैंने नहीं खेला था, I did not play. तुमने नहीं खेला था, यू डिड नॉट प्ले, हमने नहीं खेला था, वी डिड नॉट प्ले, उन्होंने नहीं खेला था, दे डिड नॉट प्ले, लड़कों ने नहीं खेला था, बॉयज डिड नॉट प्ले, लड़कियों ने नहीं खेला था, गर्ल्स डिड नॉट प्ले, तुमने नहीं पढ़ा था, यू डिड नॉट रीड, हमने नहीं पढ़ा था, वी डिड नॉट रीड, लड़कियों ने नहीं पढ़ा था, गर्ल्स डिड नॉट रीड, बच्चों ने नहीं पढ़ा था, चिल्ड्रेन डिड नॉट रीड, राजू ने नहीं पढ़ा था, राजू डिड नॉट रीड। तो अंतर समझ में आ गया बच्चों, कर्ता एक वचन का हो, बहुवचन का हो, सबके साथ क्या नहीं है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, लेकिन उसके साथ ऐड होगा डिड नॉट निगेटिव सेंटेंस में।
अब इंटरोगेटिव सेंटेंस दो तरह का है, एक तो क्वेश्चन फॉर्म जिसमें प्रश्नवाचक शब्द वाक्य शुरू में हो, जैसे क्या मेरी माँ ने कल रात को चावल पकाए थे, क्या कल मैंने क्रिकेट खेला था, क्या कल मैंने क्रिकेट खेला था, जो भी बनाना हो सबसे पहले आएगा इसमें डी, उसके बाद लिखना होगा सब्जेक्ट। जैसे क्या तुमने, हिंदी में किसका एग्जांपल लिख दूं, क्या तुमने कल रात खाना खाया था, क्या तुमने कल रात खाना खाया था, क्या तुमने कल रात खाना खाया था। तो बच्चों देखो क्या कहां पे आ गया, एकदम शुरू में आ गया, तो इसकी अंग्रेजी हमको किससे बनानी है, डिड से। तो सबसे पहले आ गया डिड, फिर सब्जेक्ट क्या है, तुमने मतलब यू, डिड यू, वर्ब क्या है, खाना, ईट मींस खाना होता, फर्स्ट फॉर्म ही लिखना है यहां पर, डिड यू ईट, क्या खाया था, फूड, कब खाया था, कल रात को, कल रात की अंग्रेजी लास्ट नाइट, डिड यू ईट फूड लास्ट नाइट, Did you eat food last night? क्या कल रात को तुमने खाना था, खाना खाया था, क्या कल रात को मैंने खाना खाया था, Did I eat food last night? क्या कल रात मैंने तुम्हें फोन किया था, Did I call you last night? क्या कल रात तुमने मुझे फोन किया था, Did you call me last night? तो बच्चों अंतर समझ में रहे हो, did शुरू में आना है और subject के बाद जब verb आएगी तो हमेशा कौन सी form रहेगी, फर्स्ट फॉर्म में। निगेटिव और इंट्रोगेटिव में हेल्पिंग वर्ब डिड आती है, इसके लिए वर्ब की क्या आएगी, सेकेंड की बजाय क्या आएगी, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। अब डब्ल्यूएच इंट्रोगेटिव की बात कर लेते हैं कि तुमने कल रात को खाना क्यों नहीं खाया था, या उसने कल रात गाना क्यों नहीं गाया था, उसने उसने पिछले सप्ताह उसने पिछले सप्ताह गाना क्यों गाया था, उसने पिछले सप्ताह गाना क्यों गाया था, वर्ड पे ध्यान देना, उसने पिछले सप्ताह गाना क्यों गाया था। तो बच्चों आप यहां पर देख रहे हैं कि देखो बीच में आ रहा है क्यों और अंत में कौन सा मार्क आ रहा है, क्वेश्चन मार्क। तो ये बच्चों कौन सा सेंटेंस है, इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, और कौन सा वाला है, डब्ल्यू एच वर्ड वाला, क्यों, क्योंकि इसमें प्रश्नवाचक शब्द कहां पे आ रहा है बच्चों, वाक्य के बीच में आ रहा है। तो जब भी प्रश्नवाचक शब्द वाक्य के बीच में आएगा सबसे पहले उस प्रश्नवाचक शब्द की क्या लिखेंगे बच्चों, अंग्रेजी लिखेंगे, जैसे उसको हम लोग क्या बोलते हैं, डब्ल्यू एच वर्ड। फॉर्मूला आप देख सकते हो, डब्ल्यू एच वर्ड, डिड, सब्जेक्ट, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, ऑब्जेक्ट और एटसेट्रा। उसने पिछले सप्ताह गाना क्यों गाया था, सबसे पहले क्यों का अंग्रेजी क्या होगा, असली अंग्रेजी होगा व्हाई। फिर सब्जेक्ट के पहले हमको क्या लगाना है, हेल्पिंग वर्ब डिड, उसने मतलब वह लड़की भी समझो आप, तो आप सी ली सकते हो, व्हाई डिड ही। और गाया था, सिंग मींस गाना होता है, क्या गाया था, अ सॉन्ग, व्हाई डिड ही सिंग अ सॉन्ग, कब, लास्ट वीक, पिछले सप्ताह, Why did he sing a song last week? तुमने कब खाया था? When did you eat? मैंने कब खाया था? When did I eat? उसने कब खाया था? When did she eat? उन्होंने कब खाया था? When did they eat? अंतर समझ पा रहे हो बच्चों? तो यहाँ पर ये क्या था? Interrogative sentence. अब इसी के साथ अपने को समझना है interrogative negative sentence. तो क्या अंतर है इंट्रोगेटिव निगेटिव सेंटेंस में, कुछ नहीं करना है बच्चों, सिर्फ जो वर्ब है वर्ब से पहले आपको यहाँ पर नॉट ऐड करना है, यहाँ पर भी वर्ब से पहले नॉट ऐड करना है। एग्जांपल से सीख लेते हैं, डिड यू ईट फूड लास्ट नाइट, क्या कल रात को तुमने खाना खाया था, ये सेंटेंस को ऐसा समझते हैं कि क्या कल रात को तुमने खाना नहीं खाया था। सेम रहना है, डिड यू ईट के पहले क्या बनाना है, नॉट, डिड यू नॉट eat food last night, did you not eat food last night, क्या कल रात को तुमने खाना नहीं खाया था। उसने पिछले सप्ताह गाना क्यों गाया था, उसने पिछले सप्ताह गाना क्यों नहीं गाया था, नहीं कर देते हैं। सेम एग्जाम्पल है, why did he not sing a song, वर्ब से पहले क्या ऐड करना बच्चों, not, why did he not sing a song last night, Why did he not sing a song last night? पिछले सप्ताह उसने गीत क्यों नहीं गाया था, उसने गाना क्यों नहीं गाया था। ध्यान दें बच्चों,
तुम कल स्कूल क्यों नहीं गए थे? Why did you not go to school? वह कल स्कूल क्यों नहीं गया था? Why did he not go to school? क्या मैं कल स्कूल नहीं गया था? Did I not go to school? क्या तुम कल स्कूल नहीं गए थे? Did you not go to school? तो बच्चों, आपको पास्ट इंडेफिनिट टेंस बहुत अच्छे से आ गया होगा। आप ये पूरा जो बोर्ड पर लिखा है, यू कैन टेक द स्क्रीनशॉट। आपको मैं थोड़ी देर का समय देता हूं। ओके, आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब यहां पर ध्यान दें बच्चों, पास्ट इंडेफिनिट टेंस को आपको अच्छे से पढ़ना है, रिवाइज करना है। कुछ दिक्कत हो तो यू कैन कमेंट, यू कैन आस्क। वीडियो को बच्चों लाइक कर दो, शेयर कर दो, बेल आइकन को प्रेस कर दो, जिससे यू गेट फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट वीडियो। सबसे पहले मेरा वीडियो आप तक पहुंचे। आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें, लाइक करते रहें, शेयर करते रहें, दोस्तों को बताते रहें, सिखाते रहें, और थोड़ी गुरुजी की भी मदद करते रहें। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो टिल द एंड। थैंक यू सो मच।